नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वी वेलकम यू वंस अगेन इन दिस एपिसोड। वी विल फीचर लॉट्स ऑफ फर्नीचर यूनिट्स, स्पेशली सोफाज। लॉट्स मीन्स क्वाइट लॉट। बहुत सारे सोफाज आपको दिखाएंगे अफोर्डेबल रेंज में। नई डिज़ाइन हैं बेड्स के, वो दिखाएंगे आपको, और डाइनिंग चेयर्स दिखाएंगे जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। लेट्स टेक अ स्मॉल स्नीक पीक। ओके, दिस होलसेल समबडी सेलिंग फॉर 1,40,000। ओके, बट आई एक्चुअली लाइक दैट। जी, तो मैं समझता हूँ कि वुड इज इम्पोर्टेंट, बट लेकिन बनाने का तरीका कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्या मैटर करता है? बनाने का तरीका, अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए बनाया हमने, कौन सी लकड़ कहाँ लगनी चाहिए, किस साइड ज्यादा वेट आएगा। अच्छा, उधर लगनी चाहिए, वेट आ रहा है सेंटर में आपने, या साइड में ज्यादा वेट आएगा, आपने लकड़ लगा दी कहीं और या टेढ़ी करके लगा दिया, कारपेंटर ने सही नहीं लगाई, तो जब आप बैठोगे वेट पड़ेगा, वो लूज हो जाएगी। ठीक बात है, इन सब चीजों से फर्क। देवेंदर, हेलो। वी वर लाफिंग एंड क्रैकिंग जोक्स, एंड सबसे अच्छी बात आपकी होती है कि सो मच ऑफ डेडिकेशन है, मतलब कितना इन्फॉर्मेशन है आपके पास और आप कभी शेयर नहीं कर रहे आपने हमारे साथ, जबकि 8 वीडियो आप हमारे साथ कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, जो जो जिस टाइम पे आती रहती है इन्फॉर्मेशन, वो शेयर करते रहते हैं हम साथ साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग रेवोल्यूशनरी हैं पूरी फर्नीचर फ्रेटर्निटी के जो फेस है, जो उसके सोच है, बायर्स का माइंडसेट और सेलर्स के माइंडसेट को आप बदल सकते हैं। ये जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की ना मेरे पास, वो मैं चाह रहा हूँ एक बार हम ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे वो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि वुड का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे फोमिंग है, फैब्रिक है, स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? सर, स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सोफ़ा हो, बेड हो, डाइनिंग हो, एनी फर्नीचर, स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। अगर आप स्ट्रक्चर ही सही नहीं बना रहे हो, उसमें पतला मोटा तो बाद में देखा जाता है, पहले तो स्ट्रक्चर सही बनना चाहिए कि किसकी ज़रूरत कहाँ पर है। कोई कहता है मैं मोटी लकड़ लगा रहा हूँ, कोई पतली लगा रहा है, लगा तो रहे हो लेकिन सही तरीके से लगनी चाहिए ना, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है उस उतनी वहाँ पर लगाओ। अच्छा। एक्स्ट्रा भी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये किसको पता होता है कि कौन सा वुड का कहाँ पर इस्तेमाल होगा? सर, जो कारपेंटर है उसको पता होना चाहिए, जो बना रहा है उसको पता होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि ये सही है या नहीं है? ठीक बात है। तो हमें भी पता होना चाहिए, और जो बना रहा है, जैसे अब कारपेंटर हमारा बना रहा है, मान लो सोफ़ा बनाया, तो सोफे में ये पता होना चाहिए कि लकड़ कहाँ पे लगानी है, कौन सी लगानी है। ओके, हम फर्नीचर में कुछ भी आप बनवा सकते हैं। अच्छा, एनीथिंग। ओके, सोफा, बेड, डाइनिंग, एनीथिंग। या जो आपके पास डिजाइन होते हैं अभी स्पोक करेंगे, बीस्पोक भी है और डिजाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है वही कस्टमर ले सकता है, वो अपना डिजाइन लाके भी बनवा सकता है। बीस्पोक फर्नीचर भी अवेलेबल है। चलिए ठीक, हम स्टार्ट करते हैं न्यू डिजाइन के जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं। राइट, तो एक ये डिजाइन आएगा, ये भी हमारा न्यू लॉन्च हुआ है जी। अब इस सोफे के अंदर आप फिनिशिंग देखिए, ये लग्जरी डिजाइन के अंदर है। राइट, एग्जैक्टली, मतलब ये इट्स टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट है ना, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, पहले हमने नहीं शूट किया है ये। हाँ जी, इसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, लेग्स डिफरेंट है, इसमें नीचे वुडन फ्रेमिंग हमने एड ऑन कर दी है सोफे के अंदर। जनरली कवर्ड सोफे के अंदर डेट लेग्स लग जाते हैं, बट इसके अंदर हमने वुडन फ्रेमिंग एड ऑन कर दी है, और फैब्रिक भी काफी टेक्सचर्ड फैब्रिक यूज किया स्वेड के अंदर। अगेन ये भी जो है प्लेन फैब्रिक है, स्वेड सॉफ्ट फैब्रिक आएगा। ठीक है, और ये बात हम अक्सर करते हैं कि वीडियोस में कि आप जब भी कोई फर्नीचर यूनिट खरीद रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि लेवल ऑफ कंफर्ट विजुअली भी होना चाहिए और आपके स्किन को रहना चाहिए, तो फैब्रिक शुड बी वेरी कंफर्टेबल, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो ये कलर इतना सटल कलर है ना, आप किसी भी वॉल कलर के ऊपर इस सोफे को लगाएंगे तो ये हमेशा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एनी कलर, आप ब्लू के ऊपर लगा लो, आप मेहरून के ऊपर लगाओ, आप क्रीम के ऊपर भी लगाओगे तो भी ये अच्छा लगेगा। राइट, देवेंदर, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, विजुअली तो आपने बताया कि सबके ऊपर अच्छा लगेगा, इसके अलावा जब इसको टच कर रहे थे, हाँ जी, तो दिस फैब्रिक फील्स लाइक बटर, मतलब इतना सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। मेन सोफे के अंदर फैब्रिक अगर आप बैठे हो उसके ऊपर आपको सॉफ्टनेस नहीं मिली तो मजा नहीं आता बैठने में। राइट, मेरे हिसाब से कस्टमर को पता लगना चाहिए कि अगर हम इस पे बैठे तो थोड़ा सा कंफर्ट आना चाहिए फैब्रिक से। बिल्कुल ठीक बात है, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग देवेंद्र हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आप सोफा परचेज करें तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है आपको। एक तो आप इसको एक्सपीरियंस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम बता रहे हैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, दे मस्ट बी नॉट लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, दे मस्ट बी कॉलिंग यू फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल सोफा, दिस वन, यू टेक द प्रॉपर मेजरमेंट, यू टेक द प्रॉपर साइज, choose the right color that goes with your scheme, Devinder is there to help you, है ना Devinder? हाँ जी बिल्कुल, आप कर देंगे, ठीक है। और remember, every sofa has a definition, some of them are classical, some vintage, some French, some modern, contemporary, you need to understand this, like this one has a very luxurious modern contemporary style sofa, and
There's one more modification that you can try. You can boost the colors. You can always change as a contrast. Is it possible? बिल्कुल possible है. Beige and brown ऐसे कर सकते हैं. In case you want to highlight the boosters. हाँ जी. Because boosters को अगर आप dark brown कर देंगे तो they'll highlight as a level of comfort. हाँ जी. But of course this is also going very well. Legs में आपने बताया कि you have used golden legs. उसमें भी color variation है हमारे पास. Color variation इसमें actual में तीन colors हैं black, rose gold and gold. But depend करता है availability के ऊपर. Okay, done. और सिलेक्शन जो लेग्स के पॉलिश का होगा वो दो बेसिस पे होगा कि आपके घर में बाकी मेटल कहाँ कितना यूज़ हो रहा है, हाँ कौन से कलर का, वही आप वो यूज़ करना है. हाँ जी. दूसरा आपको फैब्रिक से मैच कराना है. हाँ जी. राइट. चलिए, स्पेशल है. फैब्रिक की बात करेंगे. अगेन सॉफ्टनेस वाला फैब्रिक है, स्वेड फैब्रिक है, सेल्फ टेक्सचर्ड है. आपको दिखेगा प्लेन बट हल्का हल्का सा टेक्सचर्ड है. बहुत लाइट टेक्सचर है. हाँ जी. और कुशन के अंदर भी डिजाइन डिफरेंट कर दिया है. जैसे प्लेन बर्फी ना बना करके या स्ट्राइप्स ना डाल करके थोड़ा सा चेंज डिजाइन कर दिया है. और इस सोफे के अंदर ना एक बेनिफिट और भी है, जैसे चेस्टरफील्ड में पीछे डिजाइन होता है, इसमें भी पूरा पीछे जैसे जो आर्मरेस्ट पे स्टिचिंग है वही पीछे भी स्टिचिंग है. और स्टिचिंग की फिनिशिंग देखो आप. ये वर्कमैनशिप के पैसे देने पड़ते हैं. ठीक बात है. अगर नॉर्मल इसको हेल्पर से कराया या कुछ भी कराया तो नहीं बन पाएगा. ठीक बात है. और ये कॉर्पोरेट लेस सोफा बोलते हैं इसको, कि राउंड हगिंग सोफाज होता है. हाँ जी. दिस अगेन इज स्पेस सेविंग बट लग्जूरियस. लग्जूरियस क्योंकि राउंड आर्म्स होते हैं. लेग्स देख रहे हैं एकदम नया लेग्स है इसमें. ये न्यू लेग है, टू कलर्स के अंदर अवेलेबल है, ब्लैक एंड गोल्ड. ओके. अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा लाउड गोल्ड नहीं है, मतलब यही सटल फिनिश गोल्ड में. हाँ जी. राइट. और साथ में ब्लैक है, ये ब्लैक में भी शाइन है थोड़ा सा. ब्लैक शाइन है, मैट फिनिश में अच्छा नहीं लगेगा. गोल्ड के साथ में अगर थोड़ा गोल्ड भी शाइनिंग में है थोड़ा, और ब्लैक भी शाइनिंग में ही आएगा. जी ठीक है. देवेंद्र, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे ऐसी पूछेंगे जो जनरली हम नहीं पूछ पाते. हाँ जी. जो बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए. क्या डिज़ाइन के बेसिस पे हम उसकी सॉफ्टनेस डिज़ाइन करते हैं, जैसे यूटिलिटी के बेसिस पे होता है. लिविंग रूम के सोफा ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ड्राइंग रूम के सोफा थोड़े डिसिप्लिन सिटिंग के लिए होते हैं. एक्चुअल में डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर. अच्छा. अगर डिज़ाइन स्ट्रेट ज़्यादा होगा तो उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा देना मुश्किल होगा. अच्छा. जैसे इसके अंदर भी है, थोड़ा सा प्लेन सीट नहीं है, थोड़ी सी उठी हुई है. अगर अच्छा. इसको और ज़्यादा प्लेन करेंगे तो हमें इसको हार्ड करना पड़ेगा फिर. ओके, डन. क्यों ऐसा होता है कि कुछ सोफ़ाज जो हैं जो लोअर सेगमेंट के होते हैं, इकोनॉमी सेगमेंट के, वो एक टाइम में टिल्ट हो जाते हैं, सैग हो जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है. उसमें तो फोम की क्वालिटी ऐसी हल्की डलेगी ना. अच्छा. तभी वो जल्दी सैग हो जाएगा. ओके. अभी जैसे इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फैदर फोम यूज़ कर रहे हैं, आप बैठेंगे देखिए सॉफ्टनेस मिलेगा, पूरा नीचे जा रहा है, जंपिंग भी है सोफे के अंदर. जी जी. ये हमारा सुपर डुपर हिट सोफ़ा है. जी. ये सोफ़ा ऐसा है कि हर कोई पसंद कर लेता है. अगर मैं 10 में से 9 लोगों की बात करूँ तो 9 लोग जरूर पसंद करते हैं. तो कलर बहुत सिंपल सोफा है और डिज़ाइन बहुत एलिगेंट है. आपको लग्जरी लुक देता है और है भी लग्जरी डिज़ाइन. ठीक बात है. अब इस सोफे में ये एसेसरीज एक्स्ट्रा लगी हुई है और वुडन फ्रेमिंग भी एक्स्ट्रा है. जी. ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है नॉर्मल सोफे से. राइट. जो मेजर कंसर्न हमारा होता है आपके वाले सेगमेंट में वो ये होता है, हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और बहुत अच्छा फिनिशिंग मिल जाए उनको, वो जो शोरूम वाला प्राइस. हाँ. जो शोरूम वाला जो क्वालिटी है वो आपको अच्छे सेगमेंट में मिल जाए, मतलब कम प्राइस में मिल जाए. क्वालिटी तो अगर मैं बात करेंगे तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है. मतलब ये चीज़ अगर हम रिटेल में कोई भी अगर दे रहा होगा तो ज़्यादा ही प्राइसिंग मिलेगी. जी. बट ये हम आपको एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करा देते हैं. राइट. उसके बाद क्या होता है कि क्या नाम है, आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही है. बिल्कुल. बट बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो फिर क्वालिटी नहीं बना पाएंगे. बिल्कुल ठीक बात है. ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए क्वालिटी पे. बिल्कुल. इसमें RHS LHS इसको नहीं कर सकते, ये जो बना हुआ है वैसे ही रहेगा. वैसे ही रहेगा, लेकिन ऑन ऑर्डर RHS LHS बन सकता है. ओके. RHS LHS क्या है, बहुत पहले से हम शेयर करते आए हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाले पार्ट जो है इधर और ये वाले पार्ट इधर हो जाएंगे. सोफ़ा को आप फेसिंग करके खड़े हैं तो वहाँ से आप RHS LHS कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ जी. इसका क्या प्राइस है? ये प्राइस आएगा 68,000. ओके ठीक है, डन. ये भी ऑल इंडिया वैसे जा रहा है शोरूम्स में? हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो रहा है. चलिए ठीक है. प्रीमियम डिज़ाइन है और नॉर्मल रेंज के अंदर है. अच्छा. इसमें हम चीज़ें चेंज हमने करी हैं, जैसे लेग्स इसमें हमने थोड़े से डिफरेंट लगाए हैं. जी. और इसमें दो पफीज की जगह पे इसको वन पीस की ही पफी कर दी है. Right. तरीके से सेठी बना दिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है बैठने के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है. बिल्कुल ठीक बात है. हाँ जी. और बहुत ज्यादा यूनिट भी नहीं दिखते आपके, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें हैं. हाँ. अगर एक यूनिट लेंगे आप जो एस्थेटिक के, अब इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप दो पफीज रखते हैं या दो पफ्स होते हैं आपके पास तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा फर्नीचर है. हाँ जी. जबकि उसी साइज को आप अगर सिंगल में कर दें तो ऐसा लगता है कम स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है. इसका एक बेनिफिट और भी है. अच्छा. इसको आप किसी भी रूम में यूज कर सकते हैं,
आपको सोफे के साथ नहीं जरूरत है, आप रूम में ले जाके यूज कर सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, बेडरूम में लोग बेड के आगे भी सेटी यूज करते हैं, तो वो पर्पस का भी सॉल्व हो जाता है आपका। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं तो अक्सर इस बात को मानता हूँ, और बाहर तो हम देखते हैं इंडिया के बाहर इसको सेंटर टेबल की तरह लोग यूज करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सर्विंग फूड ऑन द सेंटर टेबल, सो दैट दे हैव डाइनिंग टेबल, तो वहां पे भी। ये क्या प्राइस रेंज में है? ये आपको मिलता है 45,000 का, ओके, सोफा टेबल एंड वन पफी। चलिए ठीक है, हो सकता है कि आपके किसी स्टोर पे जाने के बाद इसकी कॉस्ट बढ़ जाती हो, लेकिन आपके पास होलसेल प्राइस में ये होलसेल प्राइस है। एक्चुअल में क्वालिटी भी है ना उस तरीके की, फोम अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, उस हिसाब से आता है। कस्टमर जो चाहेगा हम उसको वो फोम डाल के दे सकते हैं अंदर। जैसे अभी करंटली इसके अंदर स्प्रिंगवेल कंपनी की फोम डली हुई है। अच्छा, लोकल फोम नहीं यूज करते। ओके, स्लीपवेल की फोम होगी या फेदर होगी या फिर स्प्रिंगवेल कंपनी की फोम होगी। इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमारे पास फोम है? कस्टमर अब चाहे तो हम उसको यही सोफा खोल के दिखा सकते हैं कि अंदर हमने ये वाली फोम यूज करी है। बट दे हैव टू बेयर द कॉस्ट? नो, ये सोफा नीचे से खुल के चेक हो जाता है, आप खोल के चेक कर सकते हैं कोई भी सोफा। सुपर, हमारे पास इस चीज के लिए हम क्वालिटी एश्योरेंस पूरी देते हैं कि अगर कस्टमर कहता है तो हम कहते हैं आप बाद में चेक करना कि जब बन रहा है। कई बार कस्टमर करता भी है कि जी जब बन रहा हो तब मेरे को बताना, मैं आगे चेक कर लूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप चेक करिएगा, जब भी बन रहा होगा आप आके चेक करिएगा। अब क्या है, कस्टमर बोले कि जी इसी में बता दो, मेरे को यही सोफा चाहिए, तो अगर उसको डाउट है पहले तो ट्रस्ट ऐसा बना हुआ है हमारे ऊपर लोगों की, अगर बोला है अंदर तो वही होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि डाउट है तो हम इसको सोफा खोल के आपको दिखा सकते हैं कि अंदर यही फॉर्म है। एग्जैक्टली, सो यू कैन चेक एवरीथिंग। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, क्योंकि मुझे लगता है आपसे बार बार क्वालिटी के बारे में पूछना इज वेरी एम्बैरेसिंग, बिकॉज जीरो कंप्लेन एंड 8 वीडियोस यू हैव रॉक द होल वर्ल्ड, आई मीन यू हैव रीच्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द कंट्री। लोगों के कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो शूट करी थी जी, आज से 2 साल पहले शायद शूट करी थी, राइट, तो फर्स्ट जो हमारा जिस दिन वीडियो अपलोड हुई थी नेक्स्ट डे ही हमारे जो बेड्स थे वो सोल्ड आउट हुए थे, और लोगों ने कमेंट्स डाले हुए हैं कि वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बेड एंड विद दिस बेड विद दिस बेड। राइट, ट्रू, दैट्स द रीजन यू आर बीइंग रिपीटेड। हाँ जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये वाला दिखा दें। हाँ जी सर, ये वाला सोफा है, ये 322 में है। ये डिजाइन थोड़ा सा, अब सिटिंग स्पेस अगर इसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, बैठने के लिए कंफर्टेबल स्पेस चाहिए होता है, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा गया है। हाँ जी, जब हम इसमें बैठते हैं तो हमारे नीज पूरे टच हो रहे हैं उसमें, हमारे को सिटिंग स्पेस पूरा मिल रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल सोफा है। अच्छा, जंपिंग भी बहुत अच्छी है। ओके, डिजाइन भी एलिगेंट है, राइट, लग्जरी डिजाइन आपको कम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, ये क्या प्राइस में है? फिर एक छोटा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे, क्या प्राइस है इसका? 322? ये वाला 56,000 का 322 है। ओके, डन। मुझे सिर्फ ये जानना था कि स्लोली मेटल इज फेडिंग आउट, और बेड्स में तो हो ही रहा है, तो मेटल की जगह कोई और रिप्लेसमेंट है यहाँ पे हम लगाने? मेटल की जगह हम सेम फैब्रिक लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ मापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? मापा भी लगा सकते हैं, पॉलिस्टर पॉलिश करवानी है या पीयू करवानी है वो भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, डन, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम, है ना। एक और एल कॉर्नर है हमारे पास, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में आता है ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में अंदर आ जाता है। इस सोफे का हमने नाम रखा हुआ टाइगर। अच्छा, क्यों? इसका डिजाइन थोड़ा सा ऐसे ही था तो ऐसे ही रख दिया टाइगर नेम। अच्छा, इसका हमने 322 बहुत देखा है मार्केट में, आप भी बना देंगे? 322 भी बन जाता है, अभी हमारे पास एल शेप है, ये भी किसी के ऑर्डर का ही बना हुआ है कस्टमर का। अच्छा, चलिए ठीक है, इसका जो प्राइस है वो क्या है? इसको हम लोग 45,000 में कंप्लीट सेट देते हैं, सोफा टेबल एंड टू पफीज। सोफा टेबल एंड टू पफीज विद सेम फैब्रिक की टेबल होगी, जैसे और नॉर्मल सोफे के अंदर होती है उस तरीके से। अगर विदाउट टेबल और विदाउट पफीज लेना तो उसके पैसे लेस हो जाएंगे, और इस तरीके की टेबल लेना है, कोई इंपोर्टेड टेबल मार्बल वाली लेना चाहे तो साथ में ले सकता है। चलिए ठीक है, स्लोली वो भी एक चेंज हो रहा है, अभी एल कॉर्नर में लोग जनरली कन्वेंशनली जो टेबल लिया करते थे, अब वो स्लोली लोग रेक्टेंगुलर शेप, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एक्चुअल में मेन फैक्टर आ जाता है प्राइस का, वो टेबल सबसे लोएस्ट प्राइस की होती है। कौन सी वाली? जो फैब्रिक वाली टेबल बनती है एल शेप के अंदर। अच्छा, जैसे ये है हमारे पास, हाँ, जैसे ये टेबल है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे आप मार्बल वाली टेबल लेंगे, मार्बल तो हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे हमने डिजिटल ग्लास यूज किया हुआ है, आप मार्बल टेबल इसकी जगह पे, इस ग्लास की जगह पे मार्बल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने मार्बल वाली टेबल ही लेने तो उसका प्राइस डिफरेंस काफी आ जाता है, तो डिपेंड करता है कस्टमर का बजट क्या है। पूरा 18 mm प्लाई में होनी चाहिए। हाँ जी, ओके, इस तरीके से बन जाता है। अब जो जिसपे ये मैट्रेस है वो पूरा 18 mm प्लाई के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि जब आप इस पर कभी बैठे तो ये नीचे ना जाए। ओके, ये टेक्निकलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और लॉन्ग रन में देखना पड़ता है इनको, शॉर्ट टर्म में नहीं आप देख सकते इनको। अभी क्या साइज बन गया पूरा ये सर? अंदर अंदर तकरीबन 7.5 फुट के करीब में एरिया मिल जाता है, और ऐसे आपको 7.5 फिट के करीब में 2 लोग आराम से सो सकते हैं इसमें। ऐसे की जगह पे ऐसे सोते हैं। अच्छा,
ठीक है, टू अडल्ट्स इन और मे बी टू अडल्ट्स इन वन चाइल्ड कैन इजीली अकोमोडेट, हां जी है ना, या फिर यू कैन हैव थ्री चिल्ड्रन स्लीपिंग ऑन दिस। बिल्कुल, दिस अगेन इज अ स्पेस सेविंग कांसेप्ट। हम लोग बात करते हैं एल कॉर्नर इज फॉर द पीपल दोज हु आर स्पेस कॉन्शियस, फॉर देम आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गेटिंग अनदर आइटम, वो है आपका, इसमें अगर हम ये लूप छुपा दें हां तो आपको पता भी नहीं चलेगा सोफा कम बेड है या नहीं। हां एग्जैक्टली, आई मीन आई वाज नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है, मुझे पता चला। हां जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब कुछ रूटीन डिजाइन है वो भी देख लेते हैं अब हम। हाँ, ये लास्ट टाइम हमने शूट किया था, लास्ट टू लास्ट टाइम, काफी सुपर डुपर हिट रहा। right. इसका एक और कलर भी बना हुआ रखा है पीछे, ग्रे कलर के अंदर। अच्छा, आई एम लाइक लुकिंग एट दैट वन, वो भी शायद मेरे ख्याल नया पीस है, बट दिस वाज अ हॉट सेलर। हाँ जी, ये काफी लोगों ने और भी बनाया है ना। चलिए, इसमें टेबल में इन्वेंशन किया आपने ना, यू हैव प्लेड विद कर्व्स। हाँ जी, सेंटर स्क्वायर टेबल नहीं किया, स्क्वायर नहीं किया, राउंड किया है, और सेम डिजाइन दिया है जो कि हमने पीछे सोफे के अंदर यूज किया, वही डिजाइन टेबल के अंदर भी यूज्ड है। चलिए, इसकी भी एक सिमेट्री है, एक हार्मनी है इसमें अगर आप देखें, बिकॉज ये कर्वेशियस है, एंड वी इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड कैमल बैक, सो एवरीबडी इज यूजिंग द टर्म कॉल्ड कैमल बैक, सो दिस, बट दिस इज लोटस, इसीलिए यहाँ पे कर्वेशियस हमने टेबल दिया है। क्या प्राइस है इसका? ये हमारा 52,000 का प्राइस है, सोफा टेबल एंड टू पफिस। ठीक है, वी डिड नॉट मेंशन द प्राइस ऑफ दिस वन। ये कितने का है? ये 45,000 का सोफा कम बेड ओनली, नो विद नो टेबल। 45,000 rupees? हाँ जी। ओके, नो टेबल नो पफिस, डन। इसका प्राइस एक बार मुझे फिर से बताएं। 52,000। ओके, विद टू पफ्स एंड वन सेंटर टेबल। ओके, आई वाज लुकिंग एट दिस वन देवेंद्र, दिस हैज कम आउट वेरी वेल, बहुत अच्छा बना है ये। ये बहुत क्लासिक डिजाइन है। hmm. और जो फैब्रिक है वो भी काफी आप इसको फैब्रिक को अगर टच करेंगे ना तो इतनी सॉफ्टनेस है, वेलवेट के अंदर भी इतनी सॉफ्टनेस नहीं मिलती है। जी जी, क्या फैब्रिक है ये? ये स्वेड ही फैब्रिक है। अच्छा, अभी न्यू फैब्रिक आया है और सारा इंपोर्टेड फैब्रिक ही यूज होता है। दिस इज लुकिंग लाइक नोवा, एक फैब्रिक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली, जो आई डोंट नो, मे बी माय नॉलेज इज इनकम्प्लीट, एक नया फैब्रिक इंट्रोड्यूस हुआ है नोवा, जो इज मोर लाइक स्वेड है वो, है ना, स्वेड का नया वर्जन है वो। अच्छा, ओह दिस इज वेरी सॉफ्ट, बट इट हैज अ लुक ऑफ जूट, लुक ऑफ जूट, बट है सॉफ्ट फैब्रिक और स्वेड फैब्रिक है, टेक्सचर आ गया, प्लेन फैब्रिक एक्चुअल में काफी यूज हो गया, तो आजकल टेक्सचर फैब्रिक काफी यूज हो रहे हैं। ठीक बात है, और बहुत बिजी टेक्सचर नहीं है, मतलब टेक्सचर में भी लाउड टेक्सचर होगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। अब आप फिनिशिंग देखिए सोफे की, कितनी नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल, आप आमरेज देखिए, सीट देखिए। अब इस सोफे में एक बेनिफिट ये है कि बीच वाली चेयर अलग है। अच्छा, वो आप इसको राइट LHS और RHS कर सकते हो इसी सोफे के अंदर अपने एंड पे। हाँ जी, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने अगर RHS ले लिया तो वो RHS ही रहेगा। बीच वाली चेयर निकाल करके इस साइड लगाएंगे तो ये LHS हो जाएगा, उधर लगाएंगे तो RHS हो जाएगा। ठीक है, और बाय चांस अगर आपको चाहिए, मेरे जैसे कंजूस लोगों के लिए ये होता है कि इसको ले जाइए और बेडरूम में रख लीजिए, इसको छोटा भी कर सकते हैं, जिसके पास छोटा स्पेस है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दो पोप्स भी हैं आपके पास, जिनको आप ड्रैग करके दूसरी के ले जाएं। हां जी, अब पोप्स की फिनिशिंग देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है। वेरी नाइस, यही वर्कमैनशिप की हम बात कर रहे थे जब हमने पहले बात करी थी। right. इसी वर्कमैनशिप की हम बात कर रहे थे कि नीट एंड क्लीन काम आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेग्स थोड़े आपने जैजी लगाए, अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार लेग्स सब सोफों में फिर सेम ही लेग्स हो जाएंगे ना, कहीं ना कुछ कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इनमें भी कस्टमाइजेशन होता रहता है ना। हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेग्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लासिकल बोला तो क्लासिकल थीम के लेग्स। क्या प्राइस है इसका? ये 49,000 का कम्प्लीट सेट है सर, सोफा टेबल एंड टू पफ्स। 49,000? यू नो यू व्हाट आर यू टॉकिंग, 49,000 rupees में। ओके, दिस इज वेरी नाइस, 49,000 में आपको काफी लग्जरी चीज मिल रही है ना। एग्जैक्टली, वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर ये वाला सोफा हम देखेंगे आपके पीछे। हाँ जी, फिर ये नेक्स्ट सोफा है, ये किसी का ऑर्डर का है, उसमें 6 सीट्स हैं, 2 2 + 2 है। अच्छा, 3 2 2 नहीं है, ये 2 + 2 है, और उसके साथ में कलर कॉम्बिनेशन ब्लू एंड रोज गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन चूज हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, कुशन में दोनों कलर ऐड कर दिए, रोज गोल्ड कलर की पाइपिंग दे दी है और ब्लू कलर का कुशन आ गया रोज गोल्ड कलर के ऊपर। ओके, अब आप इस सोफे की भी फिनिशिंग देखो। जी जी जी, नीट एंड क्लीन है। क्वालिटी की अगर बात करें, क्वालिटी आपको एकदम ओके मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये सोफा मैंने, मेरे एक डिजाइनर फ्रेंड है, वो बनाते हैं, ये हमने उनके पास देखा था। अगर हम 322 की बात करें तो 322 हम आपको दे देंगे 58,000 में। 322 इज फॉर 58,000। चलिए ठीक है, क्वालिटी का मतलब जैसे हम लोग प्राइस में हमने बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं किया देवेंद्र, जहाँ हम थे अब उस मेरे ख्याल में उसके आसपास ही हैं। हाँ जी, वी हैव नॉट एस्केलेटेड द प्राइस, लेकिन क्वालिटी हमारी वैसी है ना जैसे था। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना, अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आती है और हम कंप्लेंट्स आते नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ना, अगला देखते हैं। ये नेक्स्ट सोफा है हमारा, ये डिजाइन भी काफी हिट है जी, और ये हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं वीडियो के अंदर, लेकिन हम काफी टाइम से इसको बेच रहे हैं।
ओके, और इसकी काफ़ी अच्छी सेल है क्योंकि डिज़ाइन भी बहुत एलिगेंट है, रॉयल लुक देता है और कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं जी। सही, लाइट के कलर के साथ में आप कोई भी कलर लगवा सकते हो, आप ब्राउन, ग्रे, ब्लू कलर, कोई भी कलर लगवा सकते हो। ठीक बात है, इसमें हमेशा ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में लोग प्ले करते हैं, मतलब देयर इज अ ब्लू एंड देयर इज अ बेज, है ना? हाँ जी, काफ़ी कलर अच्छे में चलते हैं इसमें कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे पीछे जो हमने सोफा शूट किया था अभी उसमें हमने ब्लू और रोज गोल्ड कलर किया था जी, वो कलर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं उसमें, उसमें भी अच्छा लगेगा काफ़ी। ठीक बात है, और आप बता रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा गुड़गांव में काफ़ी पॉपुलर है, गुड़गांव दिल्ली में? अच्छा, गुड़गांव में, दिल्ली में, NCR काफ़ी है और ऑल ओवर स्टेट जितने भी अवेलेबल हैं जहाँ पर हम सप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छी डील है, मतलब सप्लाई इसकी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है क्योंकि ये काफ़ी स्लीक आर्म्स वाला है तो जो जो लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग वाले सोफ़ाज हों, हाँ जी, उसके स्लीक आर्म की वजह से इसको शायद ज़्यादा पसंद करते, हाँ, होंगे, और इक्वल आर्म रेस्ट है इसमें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है उससे, शोल्डर को, बैक और जो इसका आर्म रेस्ट है वो इक्वल लेवल पे है, उस वजह से आपको कस्टमर को एक तो डिज़ाइन अलग हो जाता है। जैसे ज़्यादातर सोफों में क्या होता है, आर्मरेस्ट नीचे होता है, बैक ऊपर होती है जी, एक ही डिज़ाइन इसमें अलग से थोड़ा मिल जाता है और बैक में पूरा डिज़ाइन है, जैसे इसमें 322 में डिज़ाइन बना हुआ है, आप किसी कस्टमर के पीछे से सोफ़ा दिखाई देना है राइट, तो ये वाला सोफ़ा आप ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन पीछे से नज़र आएगा। ठीक बात है, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड बेज है, एक ग्रे एंड बेज बहुत पॉपुलर है, हाँ जी, एंड ऑल्सो इसमें है ब्राउन एंड बेज इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, डार्क ब्राउन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बेज, वो भी काफी कॉमन कलर है लग्जरी में, बनाया आपने? ये अभी तीनों कलर हमारे ऑर्डर में लगे हुए हैं। अच्छा, डार्क ब्राउन, बेज कलर, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और बेज कलर, ये अभी ऑर्डर में है तीनों कलर, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्चुअल में काफी लोग पसंद कर लेते हैं, तो काफी लोगों को पसंद आता है ये कलर, तो बहुत लोग ऑर्डर करते हैं ये वाले कलर। ठीक बात है, क्योंकि फर्नीचर यूनिट इज एन एक्सपेंसिव आइटम, हाँ जी, तो लाइक लोग जनरली क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि उसे एक्सपेरिमेंट ज्यादा करें, इसीलिए उसको म्यूटेड टोन्स में ज्यादा रखते हैं, क्योंकि आप एक बार आपने वॉल के कलर चेंज करा दिए, वॉलपेपर चेंज करा दिए, फर्नीचर आपका वहीं की वहीं मर्ज हो जाता है, तो ये हमारा भी एडवाइस होता है लोगों को कि आप फर्नीचर के साथ बहुत ज़्यादा रिस्की गेम ना करें, जितना म्यूटेड जितना सटल एंड सोबर रखेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, उससे आप बोर भी नहीं होंगे। हाँ जी, राइट, चलिए इसका प्राइस बता दें फिर आगे चलेंगे हम। इसका प्राइस हमने रखा हुआ 52,000 फॉर 322। यू थिंक दिस इज कॉम्पिटिटिव? ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है। ओके, क्योंकि ये काफ़ी जगह अवेलेबल है मार्केट के अंदर जी, तो लोग क्वालिटी क्या लगा रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी क्वालिटी के हिसाब से हमने जो प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस है, इस प्राइस पे अच्छी चीज मिलना बहुत मुश्किल है। डू यू सेड हाउ मच? 52,000 रुपीस फॉर 322। ऑलराइट, ठीक है, डन। कौन सी वेटिंग वाली? वेटिंग वाली, हाँ, एक्चुअल में एक केरला के कस्टमर थे जी, उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो उसमें कुछ टाइम लगना था 2-2.5 महीने का। अच्छा, तो उन्होंने 2.5 महीने सोफा बुक कराया और 2.5 महीने के बाद डिलीवरी लिया कि मुझे यही सोफा चाहिए। अच्छा, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक्चुअली मेमोरी बन जाती है ना, याद रह जाता है। ठीक बात है, कि कस्टमर ने इतना वेट किया, इतना पसंद आया सोफा लोगों को कि उनको वेट करना पड़ा, कि मैं वेट भी कर लूंगा बट सोफा मेरे को यही चाहिए होगा। बिल्कुल, ये जब मुझे याद है हमने आपके साथ जब ये शूट किया था, वहीं से उन्होंने, क्लैप्टर फैमिली मेंबर हैं वो भी, हाँ जी, हमने इसकी बात की थी कि ये क्लासिकल में आता है, हाँ जी, एट द सेम टाइम बहुत लाउड नहीं है, मतलब इसकी जो कार्विंग है काफी बैलेंस्ड है, तो ये आप अपने घर में रखेंगे तो बहुत जल्दी बोर नहीं होंगे आप, क्योंकि बहुत बैलेंस, थोड़ा सा इसमें क्राउन है, चेस्टरफील्ड है बहुत अच्छा, स्ट्रेट लाइन में भी है इसके अंदर, और बहुत सबसे अच्छी बात है इसका हैवी टफ्टिंग है, तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, और क्लासिकल यूनिट्स में जनरली राउंड आर्म्स होते हैं आउटवर्ड, हाँ, है ना, ये अच्छे होते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस। अब इसकी टेक्निकल डिटेल बता दें, लेंथ एंड विड्थ बता दें। वो लेंथ इस 3 सीटर है, वो 7 फीट के अंदर है, 2 सीटर है, वो 5 फीट के अंदर होता है। अच्छा, लेकिन इसमें अगर आप सोफे को देखेंगे, ये है एक तरीके से कवर्ड सोफा ही, इसको लुक हमने क्लासिकल दी हुई है। बिल्कुल, और इसकी टफ्टिंग की जैसे आप बात कर रहे थे, तो आप क्वालिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, आपकी इसकी क्वालिटी देखिए, थिकनेस कितनी है मटेरियल के अंदर, बिल्कुल ठीक, और बैठने पे भी बहुत कंफर्टेबल है, पूरा सॉफ्ट है सोफा, आप बैठेंगे तो सॉफ्टनेस आपको पूरी मिलेगी, हाँ, बाउंस भी करता है, हाँ जी, ठीक बात है, और सोरोवस्की स्टोन से अगर आप चाहें तो इसमें आप फैब्रिक में भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेन अगर रखना चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, दूसरी साइड से प्लेन है। नो, व्हाट आई मीन बेसिकली दी सोरोवस्की स्टोन्स, ये वाले, इसकी जगह पे सेम फैब्रिक वाले स्टोन्स भी लगा सकते हो। अच्छा, और नहीं तो ये हटवा सकते हैं, कस्टमर की जैसे चॉइस हो। डन, वो एक एलिगेंट उसमें थोड़ा सा लुक दे रहा है सोफे के अंदर। बिल्कुल, ये पार्ट जो है ये किस में होता है, वुड में होता है? नहीं, ये प्लाई के अंदर बना होता है। अच्छा, कटिंग करके ऊपर से सिर्फ पेस्ट करी है, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज फॉर स्टाइलिंग ओनली, ओनली स्टाइलिंग। ओके, सो देयर इज अ 3 सीटर, 2 सीटर, 2 सीटर कमिंग अलोंग विद द कुशंस, हां जी, एंड आल्सो देयर आर 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मेनी बोस्टर्स आर कमिंग अलोंग विद इट? 6 बोस्टर्स आर कमिंग विद इट। ठीक है, यही कलर में सबसे ज्यादा हिट हुआ है, और भी सबसे ज्यादा कलर यही चला? अच्छा, बेज में।
आज तक हमने इसको दूसरे कलर में नहीं बनाया। अच्छा, एक कलर बना होगा, डार्क बना होगा, तो इससे सिर्फ यही कलर सुपर हिट है। ऑलराइट, कलर पॉलिश के बारे में बता दें कि वो वुड है जो क्राउन है। हाँ, ऊपर वाला वुड होता है। अच्छा, नीचे वाला प्लाई का बना होता है। ओके, लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज वुड, वो सिंथेटिक यूज करते हैं। इसमें कलर पॉलिश हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल है, आप वॉलनट कलर करा सकते हो, व्हाइट कलर करा सकते हो, सिल्वर करा सकते हो, बट इस कलर के साथ में गोल्डन ज्यादा सूट होता है, गोल्डन लगाया हुआ है। आपके कलर्स आपके फैब्रिक से मैच करना होगा उसको। वो ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास है, पीपल आर अवेयर नाउ, पीपल धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, और जिनको नॉलेज है वो तो पहले से ही अवेयर रहते हैं। चलिए, तो अब नॉलेज की बात कर रहे थे, आई एम शेयरिंग वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सोफा जो हम देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट कूल सोफाज, मिनिमलिस्टिक अप्रोच वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा हैवी इंटीरियर नहीं करना चाहते, दोज हू वॉन्ट टू मेंटेन द सेरेनिटी एंड द कामनेस, दोज हू डोंट वॉन्ट टू कीप फर्नीचर यूनिट एज अ वेरी लाउड पीस, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज माई फेवरेट, आई जस्ट लव्ड इट। ये अभी हमने सोफा शूट किया था ब्लू एंड रोज गोल्ड कलर के अंदर, राइट ये वही सोफा है डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के अंदर। ओके, अब इसका आर्मरेस्ट देखिए कितना स्लीक है, आपको हैवी लुक नहीं देता। लुक एट सी द कलर, जैसे आप कलर चेंज करते हैं तो होल लुक विल चेंज है ना। हाँ जी, देख रहे हैं, पूरा परसेप्शन चेंज हो गया, यूनिट का साइज डिफरेंट दिख रहा है, एकदम कूल कलर हो गया, ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। लेग्स में जो है वो आपने उसमें भी मेटल लगाया ना। हाँ, उसमें भी मेटल लेग्स है, इसमें भी मेटल लेग्स है। चलिए, तो फिर सेम प्राइस में होगा ये। हाँ जी, सेम प्राइस है। ओके, क्योंकि कलर वेरिएशन है, कलर वेरिएशन है, फैब्रिक सेम है। ओके, डन। लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कलर वेरिएशन कॉन्ट्रास्ट चूज करने में, तो एक कलर पैलेट की जो बुक आपके पास होती है जिसमें आप सारे शेड्स रखते हैं, उसमें ना कॉन्ट्रास्ट साथ में ही दिए होते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर वाले, दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू चूज। इफ सपोज यू आर चूजिंग दिस वन इज टू, देन इट्स गोइंग टू बी आइदर वन और थ्री। So, आगे या पीछे का इसका क्या प्राइस है? आई नो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस इज 58,000 फॉर 322 अगेन। अच्छा, जनरली व्हेनेवर यू टॉक प्राइस यू जस्ट गिव मी अ स्माइल। एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस ना। ओके, इस प्राइस में ये क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अब जैसे हम जितना ओपनली आपको मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ कि आप चाहोगे तो हम सोफा खोल के दिखा देंगे, अगर नहीं हुआ तो सोफा हमारा। ओके, चलिए, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि जी आपने ये नहीं निकला, कोई बात नहीं, ऐसे गलती से हो गया होगा, नहीं है तो सोफा हमारा। नहीं नहीं, वी टोटली ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई वी आर हियर, उसमें कोई और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई वी कैन वी आर वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज दिस सोफा। अच्छा, ये भी काफी प्लेन सिंपल सोफा है। इसमें हमने थोड़ा सा, जैसे अभी पिछले सोफे में हमने आपने बात करी थी कि कुछ हम एड ऑन कर सकते हैं, तो हमने इसमें स्टील के ऊपर जो है ना, ये एक MDF का प्लेट ऊपर से लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर स्टील में वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, ये प्लेन बिल्कुल हो जाता है। राइट, और इसके दो हो गए, एक एलिमेंट भी ऐड हो गया ना, वुड में और मेटल में। दूसरा, दूसरा ये इस सोफे के अंदर सिटिंग स्पेस बहुत ज्यादा है दूसरे सोफे के कंपैरिजन में। डेप्थ पूरी है। ओके, उसका क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है अगर डेप्थ, अगर किसी की हाइट ज्यादा है, कोई 6 फुट से ऊंचा है, तो उसको ये अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा सोफा। और अगर कोई शॉर्ट है तो, शॉर्ट है तो उसके लिए फिर कम करना पड़ेगा। ओके ओके, वैसे बताऊं एक चीज और, आपको तो पता ही होगा, आप तो मास्टर हैं इस फील्ड के, कि जो सॉफ्ट कुशन होते हैं सोफाज में, उनको भी इसीलिए इन्वेंट किया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब सोफा डिजाइन होने लगे तो ये सॉफ्ट कुशन है ना, लूज जो होते हैं ये, ये इसीलिए होते हैं कि अगर आप हाइटेड हैं तो आप इनको निकाल के पीछे हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप विद कुशन बैठ सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ मॉड्यूल्ड, इट इज़ मेड कस्टमाइज इन अ वे दैट एनीबडी कैन यूज इट। दैट्स नॉट द राइट वे, is it the right way? Yes. चलिए ठीक है, so we try to share this information whenever you have loose cushions in your sofas, they are not just for the luxury but also for your comfort, है ना? अच्छा, you can turn them around. Okay. दोनों साइड डिजाइन किया हुआ है, इधर भी और उधर भी, जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, अगर ये ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा प्लेन रख सकते हैं कुशन की तरफ। देवेंद्र, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी, ये मेरे नॉलेज के लिए, मुझे आज तक नहीं पता, जो कुशंस में हम जो पॉलीफिल करते हैं, जो हम पीछे बैकिंग लगाते हैं, वो दोनों अलग अलग मटेरियल होते हैं अंदर फिलिंग के लिए? फिलिंग यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसमें क्या भरते हैं हम? इसके अंदर पॉलीफाइबर। और उसमें क्या देते हैं हम कुशनिंग? इसमें फोम। फोम लगाते हैं। ये दो अलग अलग एलिमेंट क्यों यूज किए जाते हैं? वहां पर फाइबर लग नहीं सकता है। अच्छा। और अगर इसके अंदर फोम यूज करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। ओके, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की डेंसिटी में फर्क है, मतलब दोनों चीजें अलग अलग है ना, फोम और फाइबर तो है ही अलग अलग, क्योंकि दोनों के शेप चेंज लेने का तरीका अलग अलग है। अब इसमें क्या है, पतली सी फोम ऐड है तब ये डिजाइन इसमें आया। अगर फाइबर के फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट अगर इसको स्टिचिंग करेंगे तो शेप नहीं दे पाएंगे हम। ओके, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हम पूछ लेते हैं क्योंकि नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना? चलिए, इसका प्राइस बताते हैं अभी। ये 56,000 का 322 है। ओके, डन। एक छोटा सा फीडबैक और है इसमें मेरा, मुझे लगता है जब 322 आप ले रहे हैं पूरे यूनिफॉर्म कलर में ले रहे हैं, जैसे ये सी पिंक कलर में, एक यूनिट आप दूसरे टोन में ले रहे हैं जैसे ग्रे वगैरह, तो अच्छा कर सकते हैं, जैसे अगर कस्टमर चाहे तो कर सकता है, वो भी एक ऑप्शन है। ओके,
वो डिपेंड करता है कितने कस्टमर्स में चाहते हैं, लेकिन 10 में से 2 लोग ही ऐसे होंगे जो करते हैं, क्योंकि एक चीज चेंज करने के लिए। राइट, ये फीडबैक हम एस्थेटिक्स जो है ना अपने व्यूअर्स को समझाते जाते हैं, क्योंकि अगर आप 3-2-2 अगर सारे सिमिलर कलर का रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा कलर, उसको आप ब्रेक कर दीजिए, मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगी और योर स्पेस विल लुक बेटर। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, खास डिजाइन है, स्पेशल डिजाइन। हाँ जी, ओके, आपका फेवरेट है ये? हाँ, ये बहुत फेवरेट डिजाइन है। और ये काफी कंफर्टेबल है सोफा जी, बहुत कंफर्टेबल है। राइट, अभी आप जैसे ऑफलाइन इस पे बैठे थे, बिल्कुल, तो आपको भी बहुत मजा आया था इस पे बैठने के। ट्रस्ट मी, इट वाज अमेजिंग। ये बहुत कंफर्टेबल सोफा है, जैसे अगर इस पे बैठते हैं बाउंस इतना है उतना नीचे चला गया, आपको पूरा कंफर्ट मिलता है बैक से भी और सीट से भी जी, दोनों तरफ से। ओके, इस सोफे में एक बेनिफिट और भी है, जैसे जो साइड वाला जो कुशन है अगर इसको हम हटा देते तो आपका सीट साइज बड़ा हो जाता है। राइट, आई वाज नॉर्मल सोफे से। हां, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब क्या लेंथ हो गई इसकी? लेंथ तो अगेन सेम 5 फीट ही रहेगी। अच्छा, एक एवरेज लेंथ है 2 सीटर की 5 फीट। ओके, वो 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज अगर हम काउंट करें तो 5 फीट ही होती है, और 3 सीटर की 7 फीट। ओके, देन अनलेस समबडी वांट्स टू कस्टमाइज इट। हाँ जी, अगर किसी को लगता है कि थोड़ा बड़ा कराना है, अब जैसे 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, अगर आपको लग रहा है कि जो लूज कुशन आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं तो लूज कुशन हटा के आप थोड़ा और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो एक अगर हम बात करें कि एक स्टैंडर्ड साइज की, स्टैंडर्ड साइज जो होता है 2 सीटर का, वो 42 इंच होता है। अच्छा, अगर हम ये कुशन हटा दें तो ये 42 इंच से बड़ा हो जाएगा। ओके, और कुशन के साथ में 42 इंच के अराउंड ही आता है। ऑलराइट, ये भी इसमें बेनिफिट मिल जाता है सोफे के अंदर। डन, दिस इज माय पर्सनली माय फेवरेट, आई लाइक इट, बिकॉज आई बिलीव जब भी कुशन ज्यादा होते हैं किसी सोफाज के ऊपर, तो भले आप उसके ऊपर नहीं भी बैठ रहे हैं तो विजुअली आपको ज्यादा इनवाइटिंग लगता है वो, क्योंकि कुशंस जो है दे आर द सिंबल ऑफ कंफर्ट। हाँ जी, उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल सोफा, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ कुशंस। हाँ जी, तो वो सोफा जिनमें आप चाहते हैं कि एक इम्पैक्ट लग्जरी का आप करना चाहें तो लूज कुशंस उसमें ज्यादा होने चाहिए। प्राइस क्या है इसका? सर ये 62,000 का है, 322। अच्छा, डन। All right, so एक बार फिर से दिखा दें कि पूरा सेटअप देखिए, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। ये भी आप अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं, बहुत लग्जरी सोफा है। वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। हमने इसके आर्म्स नहीं दिखाए थे इसलिए दिखा दें। अब आर्म्स में भी आप इसकी स्टिचिंग देखिए कितनी है जी, पूरी नीट एंड क्लीन है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्टिचिंग ही करती है। राइट राइट, प्रॉपरली डिजाइन के लिए ना यही वर्कमैनशिप होती है। Exactly. और मटेरियल भी डिपेंड करता है, अंदर मटेरियल भी लगा हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि हमने स्टिचिंग कर दी है और हो गया। ओके, मैंने एक दो जगह नोटिस किया देवेंद्र इसमें कि मतलब आप जब स्लीक आर्म्स कर देना लोग तो स्लीक तो हो जाती हैं आर्म्स, लेकिन डिस्कम्फर्टेबल हो जाती हैं वो, मतलब दे बिकम वेरी हार्ड। ऐसा आपने भी टच किया तो ये सॉफ्ट था? नॉट एट ऑल, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे फील करने में लकड़ी नहीं लगना चाहिए। वही हमें उसमें मटेरियल अगर लगाएंगे तो कॉस्ट ऑब्वियसली आएगी। ठीक बात है, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप एक अच्छी चीज चाह रहे हैं तो उसमें एक ये नॉर्मल कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक बात है, आप इसका फिर से एक बार प्राइस बता दें मुझे। 62,000 फॉर 322। ओके, दिस अगेन हैज लूज फैब्रिक का, लूज कुशन का ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है तो यू कैन रिमूव दीज लूज कुशंस। डेप्थ के लिए तो हमें कुशन लगाना पड़ेगा, विड्थ के लिए हम कुशन हटा सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, क्योंकि पीछे कुशनिंग नहीं है इसमें, है ना? हाँ जी, ओके ठीक है, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन अगेन लग्जरी डिजाइन है। ओके, ये न्यू चेस्टरफील्ड डिजाइन है जी, राउंड के अंदर। और अभी आप इस सोफे को नोट कर रहे हैं जी, तो आपको फिनिशिंग काफी अच्छी नजर आ रही होगी। बिल्कुल, आप आगे से देखेंगे सीट की फिनिशिंग, साइड की, आर्म्स की, कुशन की, सब चीजों की फिनिशिंग नीट एंड क्लीन है। राइट, ठीक बात है। इसमें जो हमने ये यूज किया हुआ है ये मेटल नहीं है, फैब्रिक है ये। ये फैब्रिक है, लेकिन आप उसकी फिनिशिंग देखिए कितनी साउंड है। फैब्रिक की मेटल की आ रही है? मेटल नहीं है, अंदर प्लास्टिक का पाइप होता है। अच्छा, उसके ऊपर फैब्रिक है। ओके, तो वो जो है पूरी फिनिशिंग आपको पूरा मेटल का लुक देता है। पहले हम लोग सिर्फ थ्रेड सुना करते थे या फैब्रिक सुना करते थे, बहुत चीपेस्ट वर्जन में तो फैब्रिक भी में कुछ नहीं होता, सिर्फ फैब्रिक अगर लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। हाँ, वो पिचक जाता है वो, बिल्कुल पिचक। सबसे ज्यादा सस्ते वर्जन में जो होता है उसमें अंदर कुछ नहीं होता, वो एक सस्ता सुंदर टिकाऊ काम हो गया ना, लेकिन उसमें अगर जिसका वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। ठीक बात, और राउंड के अंदर तो स्पेशली प्रॉब्लम आती है। अब इसमें यहाँ पर भी ऐसे कर्व देना है, ऐसे भी कर्व देना है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें भी हमें टाइम लगा था, हम एक बार में सेट नहीं कर पाए। Okay. दूसरी बार में सेट हुआ हमारे से। मतलब हर डिजाइन का प्रोटोटाइप बनता है पहले? प्रोटोटाइप तो बनता ही है, एक बारी में तो नहीं आ पाता क्योंकि सारी चीजें हैंडमेड है। ओके, मशीन से तो कोई भी नहीं बनेगा कि आपने एक स्ट्रक्चर साइज डाला कंप्यूटर में और सीएनसी ने उसको बनाया, वैसा तो होगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, तो इन सब चीजों का फर्क आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें जो फील होता है कि कस्टमर कभी कभी क्या सोचते हैं, जैसे हमने कोई न्यू चीज परचेज करी, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, वो मशीन मेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, लेकिन जब हम हैंडमेड चीजों की बात करते हैं
तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बिल्कुल ठीक बात है, बट उसके अंदर अगर आप देखेंगे फिर भी फिनिशिंग देखिए कितनी नीट एंड क्लीन। हाँ, दिस वेरी नाइस चेस्ट फील, बहुत अच्छा किया हुआ है ये, एंड दिस हैज बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज। अगर किसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर चेस्टरफील्ड कम या ज्यादा कराना है तो हो सकता है वो, हो सकता है। चेस्टरफील्ड के अंदर भी कई सारे डिजाइन बनते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग स्ट्रेट आर्म्स हो गए, और एक जैसे इसमें राउंड किया हुआ है, इसी के अंदर स्ट्रेट में भी बनता है, जो हमने लास्ट शायद आई थिंक सेकंड वीडियो में शूट किया था जी, तो वो डिजाइन भी है। इस तरीके का डिजाइन अभी ये न्यू बनाया है, विदाउट बटन है, क्लाउड करना है, मतलब बहुत हैवी करना है। इस डिजाइन के अंदर भी अगर हमने और बनाया है वो विदाउट चेस्टर फील्ड भी बनाया है। अच्छा, उसमें क्या है कि साइड में स्टिचिंग कर दी है, प्लेन छोड़ दिया है, क्योंकि सब सोफे हर कोई उतना वर्क, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, कोई प्लेन चाहता है कोई कैसे चाहता है, उस हिसाब से बनता है। इसका प्राइस रेंज हमने रखा है 70,000 322 फुल चेस्टर के अंदर। चलिए, विदाउट द सेंटर टेबल, विदाउट सेंटर टेबल, फुल चेस्टर के अंदर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट एक और एल शेप का सोफा हम लोग देख लेते हैं जी, उसमें भी हमने थोड़ा सा चेस्टर फील्ड यूज किया हुआ। अच्छा, टेबल भी चेस्टर फील्ड के अंदर है, और जो दो पफ्स हैं वो भी सेंटर सॉरी चेस्टर फील्ड के अंदर है, और इस सोफे के अंदर भी चेयर वही सेपरेट है। आप LHS RHS बना सकते हैं, बहुत नॉर्मली बन जाता है। इसका जो कलर है काफी सेटल कलर है, मतलब 10 में से 7 लोग पसंद कर सकते हैं इस कलर को। ठीक बात है, बहुत न्यूट्रल शेड है इसका। हाँ जी। क्या प्राइस है इसका? ये हमने रखा है 42,000 कंप्लीट एल शेप सोफा, सोफा टेबल एंड टू पफ्स। डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला जी, नॉट ऑल वी हैव गॉट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद अस, राइट देवेंद्र? इसके अलावा हमारे पास डाइनिंग का बहुत अच्छा कलेक्शन है, डाइनिंग टेबल्स का, डाइनिंग सेट्स का। बिल्कुल, तो ये मेरा फेवरेट है, यहाँ से स्टार्ट करें, लग्जरी सेगमेंट में है। बताइए, ये लग्जरी सेट का, लग्जरी सेगमेंट का डाइनिंग सेट है। इसके अंदर आप देखेंगे हमने वीनियर यूज किया हुआ, मापा वीनियर है जी, और डाइनिंग टेबल भी हमने इसी तरीके से यूज करी हुई है, सेंटर बेस के अंदर है, ऊपर मार्बल है इटालियन, और साइज भी काफी अच्छा है, एक आपको लग्जरियस लुक दे देता है। राइट, ठीक है, क्या प्राइस रेंज में हुआ है ये? हमने इसका प्राइस रखा हुआ 95,000 सिक्स सीटर का। चलिए ठीक है, I am smiling for a reason and you know the reason. That's a again very competitive price. ये quality इस price पे मिलना बहुत मुश्किल है। I know. Moving on to the next one now. Besides this, these are the economy segment. हाँ जी। Okay, there are some a few more. पूरा का पूरा collection है। अच्छा, we could not feature most of the sofas. काफी सारी और variety भी हमारे पास। एक वो dining जो है वो थोड़ा सा vintage finish में है। हाँ, वो metallic finish के अंदर है। अच्छा। हम चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसके आगे और भी dining sets हैं। चलिए, let's go there. ये कौन सा पॉलिश है जो हमने किया यहाँ पे? ये मेटालिक पॉलिश है, मेटालिक प्योर रहेगा, और प्रॉपर अगर आप देखेंगे चेयर के अंदर स्पार्कल्स आपको नजर आएंगे, प्रॉपर मेटालिक है, पेंट नहीं है। अच्छा, और अगेट मार्बल यूज किया हुआ है, एक पूरा सेट बनाया हुआ है मार्बल का, चेयर का कलर कॉम्बिनेशन, पॉलिश का कलर कॉम्बिनेशन, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टेबल टॉप एंड पॉलिश, राइट, एंड फैब्रिक ऑफ कोर्स, है ना, तीनों में हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। चलिए, and this one has got more Italian finish. हाँ जी, इसका कलर चेंज हो गया, जैसे हर एक को क्रीम कलर नहीं पसंद है इटालियन के अंदर, तो ब्राउन कलर ले सकता है, ये लाइट ब्राउन का कलर है। अच्छा, it's more like Armani beige जैसा इसका नाम बोलते हैं, ये something like that, I'm not sure, but कुछ वैसे ही है, प्योर है ये, है ना? हाँ जी, ये प्योर मार्बल है, इटालियन है। ओके, ये क्या प्राइस रेंज में? ये अगेन 98,000 का आएगा। ओके, ठीक है, वैसे स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास क्या है देवेंद्र डाइनिंग का? डाइनिंग का तो नॉर्मल अगर डाइनिंग सेट देखते हैं तो 32,000-34,000 में स्टार्ट हो जाता है, वुडन चेयर्स के साथ में, सिक्स सीटर। ओके, बाकी कुशन वाली फिर सब अलग अलग तरीके से हैं, लाइक दिस वन, ये वाला जो सेट आएगा 76,000 का है, एंड दिस वन अगेन 76, ये भी मेटालिक पॉलिश में है। ऑलराइट, तो ये जितने भी डाइनिंग सेट्स रहेंगे उनके प्राइस जो है वो डिपेंड करेंगे कि किस तरह का डिजाइन है, क्या उसमें एलिमेंट्स लगे हैं। डाइनिंग टेबल अगर आप मार्बल के लिए जा रहे हैं तो मेन आपकी जो कॉस्टिंग है मार्बल और चेयर डिसाइड करती है। अच्छा, जैसे ये वाली डाइनिंग सेट है एक, ये भी वैसे ही है जैसे हमने देखा था फर्स्ट वीनियर के अंदर, इसमें पीछे कुशन भी है, डाइनिंग टेबल के अंदर भी SS यूज्ड है, मार्बल ऑनेक्स लगा हुआ है, तो ये भी सब उसी प्राइस रेंज में चला जाता है। बिल्कुल, अब मार्बल की भी वैरायटी है ना, जैसे ये कंपोजिट ऑनेक्स है, ये कंपोजिट ऑनेक्स है, ये अगेट आ गया, और फिर अगेन ये नेचुरल ऑनेक्स, सॉरी नेचुरल मार्बल आ गया जी। राइट, और ये क्या है? ये भी मार्बल है, कंपोजिट मार्बल है। अच्छा, कंपोजिट है ये। हाँ जी। ओके, और ये भी कंपोजिट मार्बल है। ओके, तो इनके कॉस्ट में वेरिएशन आता जाता है, जितने भी फैक्ट्री मेड मार्बल्स हैं बेसिकली वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपको बजट में वो सारी चीजें मिल जाए, जो चीज आपको अगेट में मिलती है उसके जस्ट हाफ प्राइस में आपको ये कंपोजिट मार्बल मिल जाता है। चलिए,
एक वाइंड अप लेंगे आपसे, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे बेड्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, एक बार ओवरऑल व्यू दिखा दें। हाँ जी बिल्कुल, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो होलसेल के लिए। फॉर इंट्रोड्यूसिंग दीज ब्यूटीफुल बेड्स, अमेजिंग डिजाइन, आई नो यू डोंट हैव टू हैव प्रॉपर डिस्प्ले, बट जो दो चार डिजाइन, 10 डिजाइन हम देख रहे हैं खुल के और फिर बंधे हुए भी देखेंगे, दे आर अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू सो मच। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन नाउ, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बेड, ये बहुत कंफर्टेबल और एलिगेंट डिजाइन है, इसका डिजाइन देखो बेड का कितना सिंपल सोवर बेड है। बिल्कुल, और वो आप डेमो हमें करके दे दें जो ऑफ कैमरा आपने हमें बताया था, वो भी तो बता दें। ये सॉफ्ट है काफी, आप बैठेंगे तो आपको पिल्लो की जरूरत नहीं है बैठने के लिए, आपको इसी में सॉफ्टनेस मिल जाएगी, राइट, आपको मतलब हार्डनेस फील नहीं होगी। तो इसका मटेरियल में क्या फर्क रहा है? तो इस मोर लाइक अ सोफा जैसा हो गया ना, ये सोफे जैसा ही बनाया है उसको। हां हां ओके, इसको सोफे जैसा ही बनाया ताकि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल उसमें आए। हालांकि बिल्कुल सोफे जैसा कंफर्ट नहीं दे सकता जी, बट बेड से बहुत अच्छा कंफर्ट है। ओके, एक वो आप जो ऐसे करके बता रहे थे पर वो बताइए, देखिए दिस गोज लाइक दिस, सो सो सॉफ्ट एंड आई जस्ट लव दिस फॉर द सिंपलिसिटी, फॉर इट्स एलिगेंस, बहुत सिंपल है ये। आई इंसिस्ट माय क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स एटलीस्ट प्लीज डू नॉट बाय मेटल बेड्स, दे डू नॉट लुक गुड, और बाय लेसर मेटल, बाय मोर ऑफ फैब्रिक, नहीं। सो वी रिक्वेस्ट क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स प्रेफर दीज बेड्स, दे लुक वेरी क्लासी, अनलेस यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्लिंग, है ना। एक्चुअली मैं डिपेंड करता है रूम की थीम क्या है। काफ़ी आजकल पीछे जो है पैनलिंग भी एसएस के अंदर बनती है जी, डिपेंड करता है कस्टमर क्या चाहता है, कोई सिंपल चाहता है, कोई थोड़ा सा चाहता है कि डिजाइन हो एसएस का, जैसे ये बेड है सिंपल सोफा डिजाइन है, बट थोड़ा सा मेटल है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, और जैसे हम कस्टमर्स के जो रूम की थीम है वो भी डिजाइन कर देते हैं। अच्छा, कि जी बैक में अगर आपको इतना एसएस चाहिए, जैसे नोनो फिट के लोग बेड बनवाते हैं 9 फीट हाइट में, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे, राइट, 9 फीट हाइट में एंड 9 फीट विड्थ में इतने बड़े बड़े डिजाइन थे, तो वो सब भी चलते हैं। डिजाइन डिपेंड करता है, हर एक की चॉइस अलग है, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 10 लोगों की चॉइस अलग होगी, किसी को ज्यादा पसंद है किसी को कम पसंद है। चलिए, बट दीज आर वेरी सिंपल, आई लाइक देम, दिस माय प्रेफरेंसेस, एवरीबॉडी कैन फॉलो देयर ओन प्रेफरेंसेस, दिस इज माय प्रेफरेंस, आई लाइक लेस मेटल और नो मेटल। लेस मेटल में आपको एक दो डिजाइन और दिखा देते हैं जो आपको काफी पसंद आएगा। इसका प्राइस बता दें आप पहले इसका। ये विदाउट साइड टेबल का बेड है, क्योंकि इसमें हमने साइड टेबल कोई सेट नहीं करी है जी, आप कोई भी साइड टेबल के साथ में ले सकते हैं। ये 49,000 का बेड आएगा विदाउट साइड टेबल। ऑलराइट, विद प्रॉपर बॉक्सेस, स्टोरेज, प्रॉपर बॉक्सेस, स्टोरेज है उसके अंदर। और आप स्टोरेज में बेसिक करके देते हैं कि बेसिक करके दिए, अगर लेमिनेट चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्जेबल रहेगा, हाइड्रोलिक चाहिए तो भी चार्जेबल रहेगा। डन, एंड दिस वन, ये 40,000 का आएगा विद विद साइड टेबल्स। साइड टेबल्स, ओके, आई एम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला देखते हैं अभी हम। ये बेड है, ये भी विदाउट एसएस है। अब इस बेड को अभी ये थोड़ा सा टिल्ट है, ये ऐसे स्ट्रेट आएगा। ओके, अब इस पे भी देखिए थोड़ा सा कर्वेचर है बेड में, और फिनिश देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है। एग्जैक्टली, ये लेदराइट, ये लेदराइट में बना हुआ है, इसको फैब्रिक में चाहोगे तो फैब्रिक में भी बन जाएगा। ऑलराइट, क्या प्राइस है इसका? ये हमने रखे 32,000 का बेड, बेड विदाउट साइड टेबल्स। ऑलराइट, डन, ये होलसेल के प्राइस में, ये होलसेल के प्राइस है, ठीक है, डन। बहुत सारे लोगों को ये प्रेफरेंस होता है, वो लोग चाहते हैं कि पीछे लेदराइट हो, बिकॉज इजी टू क्लीन होता है, इजी टू क्लीन रहता है, तो लेदराइट इज अ गुड। इसमें कलर्स बहुत सारे हैं, काफी सारे कलर्स हैं। एक्चुअल में ये मैट फिनिश के अंदर लेदराइट है, तो काफी अच्छा लुक दे रही है। चलिए ठीक है, इसके बाद दूसरा वो देख लेते हैं, एक और डिजाइन हम आपको दिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट डिजाइन आएगा। ये भी अगेन विदाउट मेटल के है जी, प्लेन सिंपल सोवर डिजाइन, और इसमें एक खास बात यह है ये रेक्टेंगल नहीं है। अच्छा, जैसे जनरली हमने आई थिंक मैं अगर बात करूं तो 1.5 साल पहले भी हमने बेड शूट किए थे जी, जो हमारी सेकंड या थर्ड वीडियो थी, उसमें हमने बेड दिए थे तो थोड़े से कर्व था उसमें राउंड, राइट, साइडों से, तो वो बेड काफी डिजाइन चला वाला डिजाइन, इवन अभी भी चलता है कि हमने आपकी वीडियो देखी थी वही वाला डिजाइन हमें चाहिए। अच्छा, उसमें थोड़ा सा कर्व था राउंड में, ऊपर से स्ट्रेट था इधर से, और इस पे हमने ऐसे कर्व दिया, थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज हो जाता है बेड के अंदर। ठीक बात है, इसको अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें, अगर हम इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इसमें कर्व्स ज़्यादा होते हैं, तो कर्व्स होने की वजह से थोड़े क्लासिकल साइड में चले जाते हैं, तो जो लोग अपना शैंडलियर लगाते हैं, झूमर लगाते हैं, क्लासिकल, थोड़ा सा क्लासिकल टच है, ये वो हो जाता है मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न में भी चलता है क्योंकि ये दिस हैज़ गॉट स्ट्रेट लाइंस, है ना, ये मॉडर्न क्लासिकल बेड आप इसको कह सकते हो। एग्जैक्टली, और हर इंटीरियर में मुझे लगता है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ जी, ओके, डन, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ जी, ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे बेड्स हैं, बेड की हमारी स्टार्टिंग रेंज क्या है? स्टार्टिंग रेंज हमारे पास हो जाती है 23,000 से, और बेड के बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, जैसे अभी हमने आपको एक बैक सेट दिखाई, इस तरीके से हेडसेट्स काफी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर है, और जगह है, काफी सारे बेडसेट्स अवेलेबल हैं, डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको।
ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. प्लेजर मीटिंग यू. और थैंक यू फॉर टू थिंग्स. एक तो आपने बेड्स बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस कर दिए, दैट्स वन. सोफाज बहुत अच्छे, बेड्स, फर्नीचर तो किए. इसके अलावा आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी शेयर की. सर इन्फॉर्मेशन जरूरी है, कस्टमर को भी पता होना चाहिए वो क्या ले रहा है. अगर नहीं पता तो उसको हम बता दें तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी भी नॉलेज बढ़ती है. I know. कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है कि ये नहीं था, कोई हमें करेक्ट कर दे. हाँ. क्योंकि काम तो रोज ही करना है, नई नई चीजें मिलती रहती है करने के लिए. Done. So all the products are available for pan-India delivery. GST charges are separate, and of course there's a transportation cost is also involved, right? And for wholesaler different price, and retailers you have a different price, is it? Yes or no? Only little bit. Very little bit. Very okay. little bit. But you can't even compare that. Okay, they're almost same. Almost same because of we provide you the luxurious segment at very reasonable prices. And thank you, thanks a lot for making this. Thank you so much. Once again, zero complaint store. Zero complaint at all. Thank you very much for making this.